बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई थिंक इस घड़ी का मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था, आप सबको भी था, मेरी फैमिली को भी था, फैंस को भी था। और अब तक मैंने 12 सालों में करीब 7 बार ऑन स्क्रीन शादी की है, ये पहली बार ऑफ स्क्रीन कर रहा हूँ। तो आप लोगों का साथ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, और बस आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, हमेशा कहूँगा कि आप लोग मेरी फैमिली हैं, थे और हमेशा रहेंगे। ये एडिशन है फैमिली में, सो आई थिंक दिस इज रिप्सी मल्होत्रा टू यू, से समथिंग। नीचे माइक पे। It's the best day of my life. Bend down a bit. Just bend down a bit. It's the best day of my life. It's the best day of my life. I have a bad throat. Excuse me for that. I'm getting married to him twice in one day, so it's the best day of my life. शायद लाइफ कितनी चेंज होने वाली है शादी के बाद, क्योंकि आज तक बैचलर लाइफ जी है आपने और अब एकदम से सब कुछ शेयर करना पड़ रहा है। जितनी आपकी हुई मेरे भी हो जाएगी। जी आई थिंक डेफिनेटली लाइफ चेंज होती है। अब तक जो था मैं बैचलर था, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी रहा था, लेकिन चूंकि शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। अब खा लिया है तो खुशी खुशी खाएंगे और उम्मीद है कि इन्जॉय भी करेंगे उसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो आपके साथ है उसके लिए भी। शादी जो मैं मानता हूँ कि सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का भी है। तो इसीलिए मुझे बहुत ही समय लगा अपने आप को मनाने में और ये बात समझने में कि शादी जो है वो एक खेल नहीं है। पहली बात, हमारे हिंदू संस्कृति में शादी का बहुत महत्व है, तो जितने आप महत्व उसे देंगे वो आपको उतने ही महत्व देगा। सो थैंक यू सो मच, फाइनली मैंने आज वो कदम उठा लिया है और उम्मीद है कि आप लोग सबका साथ हमेशा रहेगा मेरे साथ। शरद कोई एडवाइस नहीं है शादी यार, अभी तो शादी हुआ, एडवाइस मैं आपको क्या दूं, मुझे एडवाइस मिलने वाली है। देखिए मुझे एडवाइस मिलने वाली है तो मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं अच्छा, एडवाइस नहीं मिलेगी, ये सबके सामने बोल रही है ऑन रिकॉर्ड। कोई गिफ्ट आई थिंक मैं मिल गया, उससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा। स्वागत की ऑलरेडी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं आपके घर में, आपकी जी तैयारियां कर रही हैं जी, लेकिन आपने क्या खास तैयारी करी ऋषि के वेलकम की? नॉर्मली लड़कों को बहुत ज्यादा अप्रिहेंशन होता है शादी के बाद अपनी वार्डरोब शेयर करने का, सो उसमें जगह बनाई कि नहीं बनाई? ये प्रॉब्लम जरूर आपके साथ हो रही है। नहीं आई थिंक मैंने अब तक वार्डरोब के बारे में सोचा नहीं है, पर हाँ डेफिनेटली बेड तो शेयर करूंगा ही। तो आई थिंक जब बेड शेयर होगा तो वार्डरोब भी आस्ते आस्ते जो मेरा था वो अब सब कुछ यहाँ चले जाएगा, तो मेरे जो दो चार कपड़े होंगे वो मुझे कहीं बाहर बिस्तर में मिलेंगे। ये हाँ बोल रही है। हनीमून आप सबका स्वागत है नायगांव स्टूडियो नंबर 5 में, प्लीज़ आइएगा। और अभी तो फिलहाल कोई प्लान्स है नहीं क्योंकि लगातार शूट चल रही है, बहुत टाइट शेड्यूल है, बट उम्मीद है कि ओके डोंट गिव मी अ लुक यार, नहीं नहीं यार, नहीं 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 हनुमान होगा, बट अभी आया थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आई थिंक महीने दो महीने में शायद, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान करेंगे जी। आज सुबह जो थी आज गुरुद्वारे में शादी हुई है और अभी जो है वो हिंदू जो फेरे होंगे, तो एक दिन में दो दो शादियाँ। जी कसम तेरे प्यार की, हमेशा तेरे चेहरे पे मुस्कान बरकरार रखूंगा, क्योंकि मैं ही हूं महाराणा प्रताप और तू ही बनेगी मेरी दुल्हन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। Show yeah. Show. अच्छा show show यार. Show यार. बेटा सर. बेटा सर. Side 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 side.
best wishes. I just want to say that happiness is the key for every thing. And Sharad ne finally decide kar liya hai ki wo shaadi ke bandhan mein bandhne wala hai. Varna otherwise maine usse hamesha travel karte dekha hai, kaam karte hue dekha hai, workout karte hue dekha hai, body banate hue dekha hai. एंड अभी आजकल कुछ अपनी टू बी वाइफ के साथ बहुत सारे अपडेट डालते हुए देखा है. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम आल्सो गोइंग टू मीट द ब्राइड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम. जस्ट वांट टू से दैट हैप्पीनेस एंड हैप्पी टुगेदरनेस फॉरएवर. मेरी अभी तक नहीं हुई. आई रियली वांट टू सी हर व्हेन वो जब दुल्हन के लिबास में आएगी तब मैं पहली बार उन्हें देखूंगी. अरे वो घोड़ी से उतर कर रेडी नहीं है. हाँ ये डांस कहाँ से करेंगे. बट लेट्स सी आई आई वांट टू सी एंड आई हैव सीन कपल ऑफ ग्लिम्स इन योर वीडियोस ओनली. ही इज लुकिंग वेरी अमेजिंग एंड दूल्हा है तो ग्लो भी अलग ही आ रहा है. सो जस्ट वेटिंग. उसकी जूतियाँ बचा के रखनी होगी ना. हाँ आई थिंक वी ऑल फ्रेंड्स हैव डिसाइडेड दैट कि शादी के बाद वी विल कॉल देम फॉर डिनर ताकि उनकी वाइफ से भी हमारी अच्छी मुलाकात हो जाए एंड देन वील सी व्हाट टू गिव. हाउ क्यूट इज दैट. थैंक यू सो मच. मुझे ज़्यादा गहनों का शौक नहीं है बट मुझे ऐसे लगा गला हमेशा भरा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. सिंपल चेन ऑल्सो मेक्स डिफरेंस एंड आई लव दैट गहाई दो. तो मैंने सिर्फ चोकर पहना एंड स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप के साथ केप डाला है. सो गर्मी में आई थिंक इट विल गिव मी कम्फर्ट ऑल्सो येट एट द सेम टाइम इट विल लुक ग्रैंड ऑल्सो. IPL की. अरे यार मैं शादी में IPL का सोच के थोड़ी ना आई थी यार. थैंक यू. मैं बस दुआएं देना चाहता हूँ यार. हमारे दोस्तों के ग्रुप में मेरे अलावा शरद एक आखिरी बंदा है जिसकी शादी होनी बाकी थी और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए. दुआई दूंगा, हमेशा यही दुआ दूंगा कि वो और उनकी धर्मपत्नी हमेशा खुश रहें और आबाद हो. ओके यार मेरा क्या रिएक्शन रहेगा. मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन था क्यों, क्योंकि मैं वैसा हूँ. लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि आपकी ज़िंदगी की खुशी में सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपका पार्टनर कौन है. तो आई एम श्योर कि बहुत सोच समझ के वो ये डिसीजन लिया है और हमेशा हम उसकी खुशी में शामिल रहेंगे. देखते रहिए सब कुछ होगा. हाँ आज तो बहुत मस्ती का माहौल है और पंजाबी शादी आज तो भंगड़ा डलेगा, मज़े करेंगे हम. एंड बहुत खुश हूँ. बस आप ढोल की आवाज़ सुन रहे होंगे तो बस आप जल्दी से भागते जाऊँगा और भंगड़ा डालूंगा. अरे आप तो ऐसे बोल रहे हो कोई सलमान खान 50 साल की उम्र 60 साल की उम्र में कोई शादी कर रहा है. अभी तो यंग ही है. बट या ऑब्वियसली शादी एक बहुत बड़ा स्टेप है लाइफ में एंड जैसे हम इंडियंस में तो कहते हैं कि लाइफ चेंज हो रही है शादी के बाद. तो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी शरद के लिए एंड दीप्सी के लिए. दोनों के लिए आई एम रियली हैप्पी. क्या सॉरी टिप्स. अरे शरद से मैं टिप्स लेना चाहूँगा. उसको मैं टिप्स क्या दूंगा. वो तो अब सिंगल ग्रुप से अब हो गया डबल हो गया कमिटेड. अब तो मैं उससे टिप्स लूँगा तो दे क्या सकता हूँ. सॉरी नहीं मैं उनसे अभी तक नहीं मिला हूँ बट आज मिलूंगा एंड बातें करूंगा एंड जितनी अपने दिल से जो इतनी गुड विशेस दे सकता हूँ उतनी गुड विशेस. बस एक दोस्त की शादी हुई नहीं दूसरे की शादी करवाने में शुरू. पर अभी तो नहीं अभी आज पहले मैं शरद को देख लूँ सारी चीज़ें देख लूँ. अच्छा अच्छा हाँ ऐसा ऐसा करना उससे सारी टिप्स ले लूँ
फिर शादी का प्लान करूँगा। थैंक यू सो मच। मेरी इन एक्टर्स लाइफ आई थिंक वर्क का स्ट्रेस हमेशा से रहा है एंड आगे भी रहेगा, बट नाउ दैट ही इज़ मैरिड ही नीड्स टू मेक श्योर कि यार वो बाहर जाए घूमे एंड थोड़ा टाइम दे अपनी वाइफ को, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल काफ़ी इन्जॉय किया, मैं कॉकटेल भी नहीं जा पाया था बिकॉज कुछ और मुझे जाना था कहीं और, बट आज आई हैड टू मेक श्योर कि मैं यहाँ पे आऊँ और शरद को कंग्रेचुलेट क्यों करूँ और ब्लेसिंग दूँ। बोल अगर मेरी शादी हो चुकी होती तो मैं टिप्स देता, सो ऑब्वियसली एज अ बैचलर आई थिंक उसको मुझे टिप्स देनी चाहिए, मुझे उसको टिप्स देनी नहीं चाहिए, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, इट्स हिज डे टुडे एंड इट्स जस्ट वेरी एक्साइटेड। या कल एक्चुअली स्क्रीनिंग है एंड इट्स वेरी एक्साइटेड एंड नर्वसनेस कुछ नहीं है, जिस दैट कि यार चाहता हूँ कि जो पुराने शोज़ जो मैं कर चुका हूँ जिसमें अप्रिसिएशन भी इतनी सारी मिली थी।